एक औरत चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसकी खूबसूरती में जो चार चांद लगा देता है वो है सारी पहनी हुई नारी। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी फंक्शन, कोई भी ओकेजन हो, बिना साड़ी के इनकम्प्लीट है। लेकिन एक टाइम बाद जब साड़ी का ब्लाउज हमें फिट नहीं आता और साड़ी में हमारी बॉडी कुछ ऐसी दिखने लगती है, क्या तब भी हम इतने खूबसूरत दिख पाते हैं? शायद नहीं। और उस वक्त हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, नेचर को कोसते हैं, अपनी बॉडी से परेशान होते हैं कि काश हमारी बॉडी फिर से पहले जैसी हो जाए। तो दोस्तों, अब आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज की बताई मेरी इन पांच आसान सी एक्सरसाइज को फॉलो करने की जरूरत है। देखिए, जब हमारे बैक में इस तरीके से लेयर बाय लेयर फैट जमा होने लगता है तो वो कहीं ना कहीं देखने में अच्छा नहीं लगता है, और उस फैट को कम करना भी बहुत आसान है। तो आज जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी उसमें आपको जंपिंग भी नहीं करनी है, ना कोई वॉकिंग करनी है, बिल्कुल भी थकने वाली एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक जगह खड़े होकर इन सभी एक्सरसाइज को आपको फॉलो करना है। और आपको बता दूं कि जो भी एक्सरसाइज या जो भी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी हाँ दोस्तों, जब मेरा भी डिलीवरी के बाद वजन बहुत ज्यादा हो चुका था और मेरा साइज मीडियम से डबल एक्सएल पर पहुंच चुका था, तब मैं भी बहुत परेशान होती थी और साड़ी क्या कुछ भी पहनू ना तो मेरे ऊपर अच्छा नहीं दिखता था, मेरा कॉन्फिडेंस लो होने लगा था और मुझे हेल्थ प्रॉब्लम भी होने शुरू हो गए थे। लेकिन जब मैंने कुछ आसान सी एक्सरसाइज को फॉलो किया, कुछ टिप्स को अपने डेली रूटीन में आजमाना शुरू कर दिया, तो बहुत जल्दी मुझे रिजल्ट भी मिलने लगे, मेरी बॉडी शेप में आ गई और हेल्थ प्रॉब्लम तो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। तो देखो, दो सबसे बड़ा कारण होता है हमारे बॉडी में फैट जमा होने का, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला कारण तो होता है आपकी बैड ईटिंग हैबिट्स। अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हो, प्रोसेस्ड फूड खाते हो, तेल मसाला का ज्यादा इस्तेमाल करते हो या फिर स्वीट्स वगैरह ज्यादा खाते हो, तो उससे आपकी बॉडी में बहुत तेजी से फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। और दूसरा मेन कारण होता है आपका स्लो मेटाबॉलिज्म। अगर आप अपने शरीर से ज्यादा काम नहीं लेते, ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करते, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। लेकिन आज जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी, जब आप उसको करना शुरू करोगे, अपने मसल्स पर वर्क करना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होने लगेगा और आपकी बॉडी से फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, अब बिना देर किए हुए आज के वर्कआउट को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। Subscribe to my channel and press the bell icon for all new updates. Okay, तो first exercise में आपको अपने पैरों को normal distance पे रखना है, जैसे आप खड़े होते हैं। अपने stomach को tight रखें। अब आपको अपने knee को धीरे से bend करना है और आपकी जो upper body है उसको झुका लेना है। मैं एक बारी आपको side से करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से position समझ में आ जाए। तो knee को bend करें, upper body को झुकाना है, back को slouch नहीं करना है, इस तरह नहीं, बिल्कुल सीधी रखना है अपनी रीढ़ की हड्डियों को। अब आपको दोनों जो एक लीटर का पानी का बॉटल है उसको हाथ में ले लेना है, सामने की तरफ ले आएंगे दोनों हाथों को और यहाँ से स्क्वीज करेंगे अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ, बिल्कुल इस तरीके से, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से करना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, अपने शोल्डर को इस तरह उठाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह अगर आप अपने शोल्डर को उठाते हो ना, तो आपके शोल्डर में पेन होगा और आपके बैक पर कोई वर्क नहीं होगा, यानी एक्सरसाइज वर्क नहीं करेगी। तो इस तरह नहीं उठाना है, बल्कि आपको अपने हाथों को बिल्कुल अपनी बॉडी से सटाते हुए उठाएं, ठीक है, जिससे आपके बैक के ऊपर प्रेशर आए, बैक के मसल्स यूज हों। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना कि इसको स्पीड में करते हैं। देखो, इस तरह से अगर आप स्पीड में करोगे तब भी एक्सरसाइज वर्क नहीं करेगी। तो क्या करना है, बहुत आराम आराम से करना है। जब आप बॉटल को उठा रहे हो, यानी आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, तो एकदम आराम से लिफ्ट करना है, एफर्ट लगाते वक्त सांस छोड़ना है, और जब रिलैक्स पोजीशन में आएंगे, यानी बॉटल को सामने की तरफ लाएंगे, तब आपको सांस लेना है। ओके, इस एक्सरसाइज से आपके बैक में जितना भी फैट स्टोर होगा वो जाएगा और आपकी ब्रेस्ट साइज भी एकदम शेप में आ जाएंगी। इस एक्सरसाइज को 15 टाइम्स रिपीट करें और इसके 3 सेट जरूर लगाएं। धीरे धीरे जब आप एडवांस लेवल पर पहुंच जाएं, तब आप 15 रेपिटेशन की जगह 20 और 30 रेप तक इसको लेकर जा सकते हो। ऑलराइट, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है, सेकंड पर चलते हैं। यहाँ भी आपकी पोजीशन बिल्कुल वैसे ही रहेंगी जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में थी, बस इसमें आपको अपने हाथों को इस तरह फैलाना है, सामने की तरफ लाएं दोनों हाथों को और फिर बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना है। आपके हाथ जो है उसको टाइट रखें, दोनों हाथों को लूज नहीं रखना है, अपनी बॉडी को एकदम टाइट रखना है और बहुत आराम से बॉटल को लेकर जाना है सामने और फिर नीचे लेकर आना है। स्पीड में बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो एक्सरसाइज वर्क नहीं करेंगी। जितना आराम से करेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। इस तरीके से देखो, अगर आप स्पीड में करोगे तो एक्सरसाइज वर्क नहीं करेंगी। सो जब आप आराम से करते हैं तो आपके बैक के मसल्स पर बहुत अच्छे से प्रेशर बनता है और
एक्सरसाइज वर्क करती है। एफर्ट लगाएं, 2-3 सेकंड होल्ड करें और फिर धीरे से नीचे लेकर आ जाए बॉडी को। इसको भी आप 15 टाइम्स रिपीट करें और इसके भी 3 सेट जरूर लगाएं। जब एफर्ट लगाते हैं तो सांस छोड़ना है, रिलैक्स पोजीशन में आएंगे तो सांस लेना है। शुरुआत में ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है और हो सकता है कि नेक्स्ट डे आपको बैक में पूरा पेन महसूस हो, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये आप अगर अच्छे से वर्कआउट करते हो तभी आपको पेन भी होता है। सो इसको आप कंटिन्यू 2 हफ्ते तक ज़रूर फॉलो करें। बीच में आप जब थक जाएं तो थोड़ी देर रेस्ट ले सकते हो, 40 या 50 सेकंड का, अपने हिसाब से आप जितनी देर का रेस्ट लेना चाहो, 1 मिनट तक का रेस्ट आप ले सकते हो। तो आइए अब चलते हैं 3rd एक्सरसाइज पर, और इस एक्सरसाइज में आपको एकदम सीधे खड़े रहना है, सामने की तरफ बॉटल को रखना है और पीछे की तरफ स्क्वीज करना है अपनी बॉडी को। ओके, बॉटल को बीच से पकड़ के रखें और आपके हाथ बिल्कुल हिलने नहीं चाहिए, हाथों को टाइट रखें और बहुत आराम से स्क्वीज करें। मैं आपको साइड से भी करके दिखा देती हूँ। देखिए, आपको अपने बॉडी से बिल्कुल सटाते हुए अपने हाथों को स्क्वीज करना है, अपने अच्छे से मोड़ना है और पीछे की तरफ ले जाना है अपने हाथों को, ताकि आपके बैक के मसल्स पर प्रेशर बने। ठीक है, एक बारी मैं आपको पीछे से भी करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल इस तरीके से अपनी बॉडी से सटाते हुए और पूरा जितना पीछे आप अपने हाथ को ले जा सकते हैं उतना ले जाइए। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि बहुत लोग गलत कैसे करते हैं। अगर आप इस तरह करते हो, लाइक इस तरह आप अपनी बॉडी से ज़्यादा ऊपर रखते हो, शोल्डर को अगर आप ज़्यादा पीछे करते हो, इससे एक्सरसाइज वर्क नहीं करेगी। सो ये है सही तरीका, इस तरीके से फॉलो करें, 15 टाइम्स रिपीट करें, 3 सेट लगाएं। तो आज जो भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बैक पैड को ख़त्म करने के लिए। सो बीच में रेस्ट ले सकते हैं आप कुछ देर का। आइए अब चलते हैं 4th एक्सरसाइज पर, और आपके पैरों का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा लेना है आपको। शोल्डर से थोड़ा बाहर की तरफ रखिए अपने पैर को, एक हाथ जो है कान के पीछे रखिए और दूसरे हाथ में आपको बॉटल ले लेना है और इस तरह बेंड करना है, नीचे की तरफ झुकना है। इस तरह जब आप झुकते हैं तो आपके साइड के मसल्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच होते हैं, आपके कमर के पास जो फैट होगा बहुत तेज़ी से जाएगा। इसको भी आप काउंट करके 20 टाइम्स करें, लेफ्ट साइड से और फिर राइट साइड से। तो अब दूसरे हाथ में बॉटल ले लेते हैं और एक हाथ कान के पीछे रखेंगे और इसी तरीके से बेंड करना है। बहुत आराम आराम से करना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं करना है, सभी एक्सरसाइज को धीरे धीरे करना है। 20 टाइम्स रिपीट करें, उसके बाद रेस्ट ले लें थोड़ी देर का, वापस से करें, फिर रेस्ट लें और फिर वापस से करें, यानी 3 सेट लगाना है सभी एक्सरसाइज के। एफर्ट लगाते वक्त सांस छोड़ना है, रिलैक्स पोजिशन में जाएंगे तब सांस लेना है। यहाँ भी जब आप नीचे की तरफ झुकेंगे तो सांस छोड़ना है, वापस जब ऊपर उठेंगे तो सांस लेना है। तो हमने 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और अब आते हैं आज के लास्ट एक्सरसाइज नंबर 5 पर। तो अब इस एक्सरसाइज के लिए आपको बॉटल की ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखो इस तरीके से खड़े हो जाना है। ठीक है, पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें, हाथों को सामने की तरफ रखें और इस तरह अपनी बॉडी को ट्विस्ट करें। पहले लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, फिर राइट साइड घूम जाएं, राइट साइड ट्विस्ट करें और दोनों हाथों को वॉल पर रखें, हल्का सा पुश करें और फिर दूसरी तरफ आ जाना है, हल्का सा पुश करना है और फिर इसी रूटीन को आपको 20 टाइम्स रिपीट करना है, इसके भी 3 सेट लगाने हैं। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे, आपको फील होगा कि आपके जो साइड के मसल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं और वहाँ के मसल्स बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेच होते हैं। ये जितने भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हो कम से कम 2 हफ्ते तक, तो आपके बॉडी से फैट ज़रूर जाएगा। अपने डाइट का लेकिन ध्यान ज़रूर रखना और एक हेल्दी डाइट लेते रहना, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और स्वीट्स वगैरह से थोड़ा दूरी बनाए रखना। ऑल राइट, तो हमने सभी एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इन 5 एक्सरसाइज को अगले 2 हफ्ते के लिए फॉलो करें और अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।